प्लीज मेंटेन 3 स्टेप डिस्टेंस। ऐसे तो कुछ ले ही ली, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अरे लिफ्ट चली गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका ट्रैवल विद नितिन वर्मा में। तो दोस्तों, बहुत टाइम के बाद व्लॉग बना रहा हूँ आपके लिए और एंजॉय करना इस व्लॉग को। तो फाइनली मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, मॉल खुल चुके हैं और डर भी लग रहा है मॉल खुल गए, पर देखते हैं वहाँ पर सेफ्टी फीचर, सेफ्टी के लिए क्या करते हैं क्या नहीं, तो आपको दिखाऊंगा मॉल में हो क्या रहा है। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ रोहिणी सेंट्रल मॉल, तो वहाँ देखते हैं क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो बेसिकली वही देखना है असली, तो कि प्रिकॉशंस वहाँ पर कैसे हैं और कितने लोग आते हैं अगर मॉल खुले हैं तो। मुझे भी नहीं पता कितने लोग आए होंगे कितने नहीं, वहीं जाके पता लगेगा। और आजकल हमारी चीज़ों के साथ एक चीज़ और जुड़ चुकी है, जैसे हम घर से निकलते हैं रुमाल, पर्स, मोबाइल, तो अब एक ये भी जुड़ चुका है। अभी कब तक चलेगा भगवान जाने, पर जल्दी ख़त्म हो जाए, बहुत दुख करता है ये, दुखी देता है, पसीना बहुत आता है भाई। कोई नहीं, इसके साथ भी जीना पड़ेगा, बचना भी तो है। तो चलो एंजॉय करो व्लॉग को, कोशिश करेंगे कि अंदर भी शूटिंग करने दें, क्या पता शूटिंग करने देते नहीं देते, पर सारा कुछ जितना हो सकेगा मैं दिखाऊंगा जरूर। चलते आगे। कर लिया, रोहिणी एंटर हो चुके हैं, बस 2-3 रेड लाइट्स और देखते हैं। एक तो मौसम भी खराब हो गया, आंधी चल पड़ी है। तो दोस्तों, मैं सेंट्रल की पार्किंग में खड़ा हूँ, सेंट्रल मॉल की पार्किंग में खड़ा हूँ और फ्री पार्किंग है इसकी, जो इसकी अपनी पर्सनल है। तो मैं एंटर किया हूँ, तो पहली चीज़ तो मुझे सबसे बढ़िया ये चीज़ लगी कि उन्होंने गाड़ी के टायर और जितनी है उन्होंने उसको सैनिटाइज किया है। तो पहली चीज़ तो ये है। अब एंटर कर, एंटर हो गया लिफ्ट में, फर्स्ट पर जाएंगे हम लोग, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, फर्स्ट में ग्राउंड पे, देखते कहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से एंट्री है इसकी नहीं, वैसे जाना जीरो पे। मैंने गलती से फर्स्ट फ्लोर दबा दिया था, ग्राउंड फ्लोर से एंट्री है इसकी। चलो, तो दोस्तों उन्होंने थर्मामीटर से चेक करा, जो आजकल मशीन है उसे चेक करा टेम्परेचर और सैनिटाइज करा। तो मैं आ गया हूँ सेंट्रल मॉल में, एंट्री कर चुका हूँ और ये लेडीज सेक्शन में हूँ मैं। यहाँ का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ आपको, देखिए ज़रा। तो ये नज़ारा है यहाँ का, जो खचाखच भरा रहता था उसकी हालत कुछ ऐसी सी हो गई है, खाली सा पड़ा, खाली सा क्या पड़ा, खाली पड़ा, बस कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ हम हैं और सेल्स पर्सन भी बहुत कम है ना हर सेक्शन पे। जैसे इधर एंड का है, इधर मिस्टेकन का है, सारे जितने भी हैं इसमें बहुत कम है ही नहीं यहाँ पर। तो मतलब कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही इन्होंने बुलाया है। और अभी मैं मेन सेक्शन में भी जाऊँगा ऊपर, तो मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ पर क्या हालात है। हालात कुछ ऐसे मिलने वाले हैं, पर आप देख सकते हैं सिर्फ कुछ चुनिंदा ही लोग हैं सेल्स के। तो सोशल डिस्टेंसिंग का काम हो रहा है यहाँ पर, धीरे धीरे देख कर रहे हैं, यह हालत है। तो इससे यही पता चलता है लोग अवेयर हैं, उनको पता है कि मॉल खुले या बंद हो, पर सेफ्टी पहले है अपनी, बचना पड़ेगा, नहीं बचेंगे तो फिर दवाई तो है नहीं, तो ये तो ज़रूरी है। पर अच्छी बात भी है, अच्छी बात है ये तो,
सेफ्टी अपने हाथों में ही है और शॉपिंग तो चलती रहेगी, क्या कर सकते हैं। पर आप लोगों के लिए आया हूँ मैं देखने के लिए, अब आया हूँ तो कुछ मिल जाएगा तो मैं ले ही लूँगा, आने का कोई फ़ायदा तो हो। ठीक है, दिखाता हूँ आपको आगे। तो ये कुछ ऐसा सा नज़ारा है एस्केलेटर पे जाने का। प्लीज़ मेंटेन 3 स्टेप डिस्टेंस ऑन द एस्केलेटर। अभी तो कोई भी नहीं है। कपड़े ले लो, ट्रायल अलाउड नहीं है, ट्राई नहीं कर सकते कपड़ों को। अब रिटर्न का क्या सीन है ये पता नहीं, पूछते हैं कोई मिलता है तो। एस्केलेटर चल रहा, थैंक गॉड। ये हालत है यहाँ पर, कम ही है, ज्यादा लोग नहीं है। एसी नहीं चल रहा भाई, सेल्स पर्सन तो सामने नहीं आ रहा दोस्तों, अपना रीज़न है। तो आपको टाइमिंग यहाँ के बता देता हूँ, टाइमिंग ये बता रहे हैं 11 o'clock ऑफ हो जाता है और ऑफ होता है यहाँ पर 7:30 क्लोजिंग टाइम। तो सेल्स पर्सन तो बहुत कम कर दिए उन्होंने, गिने चुने हो गए तो यहाँ पर सेल्स। अच्छा तो वो कोई आगे तो सेल्स पर्सन यहाँ पर काफ़ी कम हो गए, तो कैसे मतलब उनको सबकी जॉब मिलेगी, आगे आएंगे भी ऑल्टरनेट पे, मतलब सब सेफ है ना, क्या हो जाएगा मतलब। मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, डालूंगा यूट्यूब पे ये लोगों को। हाँ ऑन चैनल, तो ऑल्टरनेट डेज पे आ रहा हूँ, तो मतलब कि सेल्स पर्सन कम है, मतलब कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर क्राउड ज़्यादा ये क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो सेफ्टी प्रिकॉशन पूरे लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो जितने भी यहाँ पर सेल्स पर्सन है तो उनकी जॉब नहीं गई है, सबसे अच्छी बात तो यही है। और ऑल्टरनेट डेज पे आएंगे तो एक दिन का इनको भी रश मिलेगा, अगले दिन वो आएंगे तो अच्छी बात है, पर अभी इतना रश है नहीं। तो दोस्तों सेंटर लाए थे, आए थे तो कुछ ले ही लिया, अब आगे बाहर दिखाता हूँ आपको। अरे लिफ्ट चली गई, लिफ्ट चली गई। मैंने किया केली ने, चलो आपको घर जाके दिखाता हूँ क्या लिया मैंने और आना चाहिए नहीं आना चाहिए सारा कुछ। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ और मैंने कुछ वहाँ से शॉपिंग भी करी, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ मैंने क्या खरीदा वहाँ से। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने टी शर्ट्स ली हैं, एक तो ये टी शर्ट ली है, बताना कैसी लग रही है, पूरा आ रहा है, एक तो ये ली है और एक ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। और इसे करते साइड में, तो बात करते हैं आगे की। टी शर्ट्स ट्राई नहीं करने दे रहे आप, टी शर्ट्स क्या मतलब, कोई भी आप कपड़ा वहाँ पर परचेज करें तो ट्राई नहीं कर सकते, ट्रायल रूम बंद कर रखे हैं तो ट्रायल नहीं कर सकते। और रिटर्न वो ले लेंगे अगर अगर आपको साइज़ नहीं आता तो, वो बात की बात है, वो रिफंड नहीं हुआ, एक्सचेंज जो उनका पॉलिसी होती है वो वैसी चल रही है वहाँ पर। और मैं आगे आपको बताता हूँ हुआ क्या था, उनकी कुछ चीज़ें अच्छी लगी और जहाँ पर मेरी हालत ख़राब हुई वो भी आपको पूरा बताता हूँ, आपने देखा भी होगा। एंट्री करी, एंट्री उसकी जो मॉल की पार्किंग है वो तो फ्री है, एंट्री करने के बाद वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसने पूरी गाड़ी को आगे से पीछे से मतलब कि नीचे नीचे का लेवल जो है उसने पूरा सैनिटाइज करा। सबसे पहली बात तो मुझे वहाँ की बहुत अच्छी लगी। उसके बाद पार्किंग बिल्कुल खाली थी, ज़्यादा लोग थे नहीं वहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया पार्किंग ज़्यादा भरी नहीं हुई थी, पार्किंग लगाई। फिर पार्किंग से जो आप बेसमेंट से आप लेवल पे जाएंगे, जीरो लेवल ग्राउंड लेवल पे जाते हैं एंट्री के लिए, तो एंट्री पे उन्होंने मशीन लगा रखी सैनिटाइज करने की, तो
फुल बॉडी नहीं सैनिटाइज कर रहे पर हाथ की मशीन लगा रखी, आप अपने हाथ सैनिटाइज करके तभी एंट्री आपको मिल रही है वहाँ पे। चलो एक और बात अच्छी है, लेकिन एंट्री करने के बाद वहाँ पर एसी वर्किंग नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, एसी वर्किंग नहीं है। तो मैंने कई जगह उनको बोला भी कि ये आपका एसी वर्किंग नहीं, कैसे शॉपिंग करेंगे, एसी तो वर्किंग है नहीं। तो कहते नहीं, हम थोड़ी देर के लिए चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं, क्या है क्या नहीं, पर एसी तो वर्किंग है नहीं। हालत ही ख़राब हो गई, इतनी गर्मी जैसे लग रहा था स्टीम सोना बाथ में बैठे हैं। तो माइनस पॉइंट तो ये रहेगा, अगर आपको जाना है आपकी मर्जी है, इसमें तो मैं आपको नहीं कह सकता। वैसे तो सेफ्टी आपके हाथ में है, मेरे हाथ में अपने हाथ में होती है सेफ्टी, पर मेरे को शूट करना तो मैं गया भी और गया, फिर मेरे को टी शर्ट कुछ पसंद भी आई तो मैंने ले ली। वो आपके हाथ में, आप जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते तो उसमें तो मैं नहीं कुछ कहूँगा। लेकिन वहाँ पर इतने लोग थे नहीं, कुछ ही लोग थे वहाँ पर, मैंने आपको दिखाया भी उस करने वीडियो में, कुछ ही लोग थे, ज़्यादा लोग थे नहीं वहाँ पर। तो मैं था, मैं अपनी सिस्टर के साथ गया हुआ था, तो वहाँ पर देखता रहा वहाँ पर सामान और फिर उसका शूट करके मैं वापस घर आ गया। और ऐसे ही वीडियो डालूंगा मैं आपको वीडियो शायद अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा। सेफ्टी ज़रूरी है तब भी, लेकिन फिर भी मैं गया क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ब्लॉग्स भी नहीं डाले थे, तो मेरे को ब्लॉग्स करने थे, तो मैं कहा चलो ये एक नया कह लो क्या कहते हैं नया वीडियो एक मैंने कहा चलो इस पे बनाते हैं, लोगों को पता लगेगा क्योंकि कोरोना वायरस है, सबको पता लगे कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हर कोई निकल भी नहीं रहा इतनी जल्दी। तो गाड़ियाँ ज़रूर दिखती है सड़कों पर, लेकिन ऐसी जगहों पर लोग कम है अभी भी। खैर अभी दो दिन हुए हैं मॉल खुले हुए, लेकिन लोग वहाँ पर कम है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जाना चाहते हैं ठीक है, नहीं जाना चाहते वो भी आपके हाथ में है। मेरा काम था ब्लॉग बनाना और आपको दिखाना, तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन एसी वर्किंग में नहीं है वहाँ पर, एसी बहुत हालत बुरी है वहाँ पर गर्मी में। और हाँ, जो कुछ आपको स्टोरी में पता नहीं, शायद मैं चेक कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने उनसे पूछा था कि जो सेल्स पर्सन है, सेल्स जो स्टाफ है आपका, तो वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था, सुनने में आ रहा था कि जो इतना सारा स्टाफ होता है तो उसको शायद निकाल लिया गया हो, पर ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि निकाला नहीं है। कह रहे ऑल्टरनेट डेज पे कर रखा है, थोड़ा आधा आज आएगा थोड़ा कल आएगा, इनको ब्रेक देंगे फिर आएगा। तो अच्छी बात है, चलो सबकी नौकरी बची रहे, अच्छी बात है, काम सबको मिलना चाहिए, कमाई तो चाहिए हर किसी को। तो बस यही है, तो आगे ब्लॉग्स में कंटिन्यू करता रहूँगा, बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन को दबा देना, जैसे मेरी वीडियो अपलोड होंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट द चैनल, बाय बाय।